क्रैकडाउन सीजन टू जो कि आ चुका है जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म में, वो भी फ्री फ्री फ्री। इसका सीजन वन आया था वुड सिलेक्ट के ऊपर जो कि बहुत अच्छा था दोस्तों। तो उसी अच्छाई के साथ मैंने जैसे ही सीजन टू को शुरू किया ना, तो पहले दो एपिसोड तो इतने बढ़िया थे ना कि कड़क कर देगा आपको, यानी कि टोटली एकदम कड़कनेस आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। आप कहोगे भाई मजा आ गया, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छी एक्टिंग, और क्या ट्विस्ट और टर्न थे पहले दूसरे एपिसोड के अंदर। मगर जैसे ही तीसरा एपिसोड शुरू हुआ ना, तो फिर लास्ट के आठवें एपिसोड तक जिस तरह से इसकी स्टोरी ढीली ढाली होती रही ना, कि आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स और ढीला हो जाएगा। वो कहेगा ना आपको मजा नहीं आएगा, आप बीच में ही शो को छोड़ दोगे। क्योंकि एक्शन थ्रिलर के नाम पे इस बार सीजन टू के अंदर हमें ज्यादा एक्शन, ज्यादा थ्रिलर, ज्यादा ट्विस्ट और टर्न ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मगर उसे एग्जीक्यूट डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने ठीक से नहीं किया। इसका बीजीएम भी बहुत ही बिलो एवरेज था, और साथ में इसके वीएफएक्स भाई साहब, जो बम ब्लास्ट जो फटने के वो सब सीन थे, उसे देख के तो आप कहोगे भाई ये तो बच्चों वाले सीन दिखाई यार, क्या यार, पैसा तो थोड़ा इन्वेस्ट किया होता, ऐसा मुझे फील हुआ। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो साकिब सलीम एज यूजुअल ठीक ठाक ही एक्टिंग करते हैं। श्रेया पेलगांवकर वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, और दूसरे सपोर्टिंग कास्ट उन लोगों ने भी ठीक ठाक ही इसके अंदर एक्टिंग की है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था, अगर अच्छा होता तो ये वेब सीरीज बहुत अच्छी साबित हो सकती थी। इसके हर एपिसोड 35 मिनट के अराउंड के लेंथ के है दोस्तों। टोटल 8 एपिसोड है और देखने को मिलेंगे फ्री में, वो भी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ स्टोरी की बात करें तो देखो, जहाँ से स्टोरी खत्म होती है वहीं से स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे प्लेन हो जाता है हाईजैक, फिर हाईजैकर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो टेररिस्ट चाहिए, फिर क्या उसके बाद वो टेररिस्ट को दे देते हैं कि नहीं देते, उसके लिए तो ये सीरीज देखो भाई, ठीक ठाक टाइम पास वाली सीरीज है। अगर फ्री में देखने को मिलती है, आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो। ये वैसी वेब सीरीज है जिसके लिए आप अपना कीमती वक्त नहीं दे सकते। सीजन वन के कंपेयर में सीजन टू थोड़ा ढीला ढाला रिलैक्सिंग मोड में था। हालांकि सीजन वन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, मगर टू वैसी एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू क्रैकडाउन सीजन टू के बारे में। आपकी क्या राय है इसके बारे में कॉमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।